आरजेडी का, लालू जी का नया सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसका कीमत 10 रुपया हो गया है। पहले था 5 रुपया। फिर लालू जी ने विकास की ओर बढ़ रहे हैं, देश के नेता हैं लालू जी, और लालू जी का दो अनमोल रतन है तेजस्वी जी, जो बिहार को और देश को देख रहे हैं। इन लोग भी अपना तेजी अभियान चलाए हैं। तो कल एक शिवरात्रि का दिन, मुझे भी ये गया जिला के अध्यक्ष मदान भाई ने सदस्यता दिलाया है और मैं लिया हूँ। नया सदस्य मैं बना हूँ। पहले मैं जिला महानगर का महासचिव के पद पर हैं। मेरा नाम सीताराम प्रसाद है, उस नेताजी अरुण यादव आरजेडी महासचिव गया। अरे देश ने और बिहार ने ये जो हो रहा है, आप उत्तर प्रदेश चुनाव में भी देखने को बहुत धांधली मिला है। कहीं पे आपको बेलागंज के विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव जी बहुत तेज़ी से चला रहे हैं सदस्यता अभियान। कुमार सरजीत जी बोधगया के विधायक हैं, जो बहुत तेज़ी से सदस्यता अभियान चला रहे हैं। अत्री के विधायक रंजीत सिंह यादव हैं, वो भी बहुत तेज़ी से सदस्यता अभियान चला रहे हैं। गुलवा विधायक विनय कुमार यादव जी हैं, वो भी बहुत तेज़ी से अभियान चला रहे हैं। कुमार मंजू बाला वो आपके सिरघाटी से विधायक हैं, वो भी बहुत सदस्यता अभियान चला रहे हैं। बहुत अच्छा से इन लोगों ने काम कर रहा है और हर बूथ पर आरजेडी का सिपाही तैनात हो रहा है। तो ये सब देख करके नरेंद्र मोदी जी हड़बड़ा रहे हैं। अरे मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आप लोग कौन काम में बिजी हैं? आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है अपना जन्मदिन मना रहे हैं। वो जन्मदिन मनाते हैं और यहाँ गरीब लोग भूखे मर रहा है। जन्मदिन मनाना उनके लिए कितना खुशहाली है, लेकिन हम यहाँ गरीब जो भूखे मर रहा है, तो इसके लिए कोई उपाय नहीं। आज नरेंद्र मोदी जी को हम देखते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी को हम देखते हैं कि वो बेरोजगारी पर कुछ भी नहीं बोलते हैं और महंगाई पर कुछ भी नहीं बोलते हैं, अत्याचार पर, जुल्म पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रहा है, छीन छोरी हो रहा है, अपहरण हो रहा है, इस विषय पर कुछ नहीं बोलते हैं। मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। अरे जो भी आप दे रहे हैं उसका मात्रा बहुत कम है। जो देना चाहिए आप नहीं दे रहे हैं, और जो बोलना चाहिए आप नहीं बोल रहे हैं। गलत भाषण दे करके आप वोट बटोरना चाहते हैं धर्म के नाम पर। धर्म कुछ नहीं है, धर्म जो है कुछ नहीं है, धर्म एक लोग अंधा है। धर्म क्या है? धर्म है ओम शांति है। आप लोग शांति मनाइए और मिलजुल करके रहिए। जिसको वोट पड़े वो जीते, यहाँ तो वोटर लिस्ट में नामे गायब कर देते हैं। अरे भाई नरेंद्र भाई मोदी जी, आपसे सब कोई खुश है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और बहुत टाइम देते हैं जनता के बीच में। तो जनता के बीच में टाइम देते हैं तो सही शुद्ध विचार, शुद्ध सोच, सही भाव से आप जरा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री 2 बार बने हैं और तीसरा बार बनने के लिए आप बहुत तेज़ी से झूठ बोल रहे हैं। तो जरा झूठ बोलने का संख्या मात्रा कम किया जाए, क्योंकि अब 24 में आप प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। एकदम फाइनल है सर कि आप नहीं बनेंगे, क्योंकि गरीब का दिल बहुत दुखाया है, गरीब का आंसू बहुत गिरा है, गंगा में बहुत लाशें दहा है। तो इसलिए जो भी घटना घटा है देश में, इस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। आप खाली अपना विकास की ओर बोलते जा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, खाली धर्म के नाम पर आप वोट लेना चाहते हैं। तो धर्म तो हर आदमी करता है, सभी जाति के लोग करते हैं, हिंदू भी मुस्लिम भी, आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप अयोध्या मंदिर बनाए खुशी की बात है, हम भी खुश हैं, लेकिन अब धर्म के नाम पर वोट लेना और धर्म के नाम पर वोट देना, ये सब वोटर सब एकदम बिल्कुल अंधा है। अरे पढ़ा लिखा हो तो कम से कम सोचो कि वोट देने के से वोट देना भी एक धर्म है। वोट देने के लिए भी किसको धर्म मान करके आप सही दिशा में चलें और सही आदमी को वोट दें। आपको बेलागंज के विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव जी बहुत तेज़ी से चला रहे हैं सदस्यता अभियान। कुमार सरजीत जी बोधगया के विधायक हैं,
जो बहुत तेज़ी से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। अत्री के विधायक रंजीत सिंह यादव हैं, वो भी बहुत तेज़ी से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। गुलवा विधायक विनय कुमार यादव जी हैं, वो भी बहुत तेज़ी से अभियान चला रहे हैं। कुमार मंजू बाला वो आपके सिरघाटी से विधायक हैं, वो भी बहुत स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। बहुत अच्छा से इन लोगों ने काम कर रहा है और हर बूथ पर RJD का सिपाही तैनात हो रहा है। तो ये सब देख करके नरेंद्र मोदी जी हड़बड़ा रहे हैं। अरे मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आप लोग कौन काम में बिजी हैं? आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है अपना जन्मदिन मना रहे हैं। वो जन्मदिन मनाते हैं और यहाँ गरीब लोग भूखे मर रहा है। जन्मदिन मनाना उनके लिए कितना खुशहाली है, लेकिन हम यहाँ गरीब जो भूखे मर रहा है, तो इसके लिए कोई उपाय नहीं। आज नरेंद्र मोदी जी को हम देखते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी को हम देखते हैं कि वो बेरोज़गारी पर कुछ भी नहीं बोलते हैं और महंगाई पर कुछ भी नहीं बोलते हैं, अत्याचार पर, जुल्म पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रहा है, छीन छोरी हो रहा है, अपहरण हो रहा है, इस विषय पर कुछ नहीं बोलते हैं। मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। अरे जो भी आप दे रहे हैं उसका मात्रा बहुत कम है। जो देना चाहिए आप नहीं दे रहे हैं और जो बोलना चाहिए आप नहीं बोल रहे हैं। गलत भाषण दे करके आप वोट बटोरना चाहते हैं धर्म के नाम पर। धर्म कुछ नहीं है, धर्म जो है कुछ नहीं है, धर्म एक लोग अंधा है। धर्म क्या है? धर्म है ओम शांति है। आप लोग शांति मनाइए और मिलजुल करके रहिए। जिसको वोट पड़े वो जीते, यहाँ तो वोटर लिस्ट में नामे गायब कर देते हैं। अरे भाई भाई नरेंद्र भाई मोदी जी, आपसे सब कोई खुश है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और बहुत टाइम देते हैं जनता के बीच में। तो जनता के बीच में टाइम देते हैं तो सही शुद्ध विचार, शुद्ध सोच, सही भाव से आप थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री 2 बार बने हैं और 3रा बार बनने के लिए आप बहुत तेज़ी से झूठ बोल रहे हैं। तो जरा झूठ बोलने का संख्या मात्रा कम किया जाए, क्योंकि अब 24 में आप प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। एकदम फाइनल है सर कि आप नहीं बनेंगे, क्योंकि गरीब का दिल बहुत दुखाया है, गरीब का आंसू बहुत गिरा है, गंगा में बहुत लाशें दहा है। तो इसलिए जो भी घटना घटा है देश में, इस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। आप खाली अपना विकास की ओर बोलते जा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, खाली धर्म के नाम पर आप वोट लेना चाहते हैं। तो धर्म जा रहे थे नजाम भाई के जमा करने के लिए, इसलिए हमारे मीडिया प्रभारी मगध का मिले, जो बहुत प्रिय हैं, जो सही न्यूज़ देते हैं। तो कहीं किसे आप सदस्य बने हैं तो कुछ थोड़ा बोलिए। तो हम के भाई बोले तो, लेकिन कौन आवाज़ सुनता कौन है? सही आवाज़ तो सुनने वाला कोई है नहीं। चलिए बोल देते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी को हम लोग गाली नहीं देते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी को हम लोग अशुभ बात नहीं बोलते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को हम लोग चाहते हैं कि उनका सही दिशा हो, सही एक नज़र से वो देखें, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। यदि सही नज़र से देखेंगे, सही से उनका भाव रहा, तो 2024 में दिन का उम्मीद रखा जा सकता है। लेकिन इसी तरह का जो व्यवहार रहा कि बेरोजगार के प्रति हम ध्यान नहीं देते हैं, महंगाई के प्रति ध्यान नहीं देते हैं, गुंडाई के प्रति ध्यान नहीं देते हैं, अपहरण के प्रति ध्यान नहीं देते हैं, तो ये जंगल राज पूरा देश में जो बना दिए हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जंगल राज देश में नहीं चलेगा, जो चला सो चला, अब वो नहीं चलेगा। मैं सीताराम प्रसाद बोल रहा हूँ, हमारा भी उम्र 66 साल है, हम भी एक रिटायर कर्मचारी होकर के और आपके बीच महासचिव के पद पर हमको सुरेंद्र प्रसाद यादव, बेलागंज विधायक और विनोद यादविंदु जी ने बनाया। उसके बाद जो बनाए हैं अभी तक हम बन ही रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। नज़दीकी दिल कहता है, दिल बोलता है कि मेयर डिप्टी मेयर के पद पर चुनाव हम लड़े हैं, लेकिन चुनाव तो लड़ेंगे, ये सही आदमी को वोट देता कौन है? हम कई बार चुनाव लड़े, वोट नहीं मिला, तो इस वजह से दिल में थोड़ा दुख भी होता है। लेकिन यदि हमको मौका मिला तो DM के बाद ही DM साहब को भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि शहर में वो निगरानी अच्छा रखते हैं,
डीएम साहब निगरानी अच्छा रखते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर देते हैं। बीजेपी में खाली जो भी कार्यकर्ता हैं सब गुंडा टाइप के कार्यकर्ता हैं, गरीबों को मारते हैं। तो डीएम साहब से मेरा आग्रह रहेगा, एसपी साहब से आग्रह रहेगा कि आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जो गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं उन पर ध्यान दिया जाए। और बाकी प्रशासन से हम खुश हैं। इन्हीं शब्दों के साथ होली सभी को मुबारक हो। 17 तारीख का होली है। प्यार मोहब्बत के साथ, शुभ भाव के साथ, शुभ विचार के साथ, शुभ सोच के साथ आप लोग मनाएं। लगे महान है और देश मेरा सबसे आगे है और देश आगे रहेगा। इन्हीं सब मैं सीताराम प्रसाद उर्फ नेताजी अरुण यादव महासचिव आरजेडी नगर जिला गया।